गंगाधर तिलक के बारे में 10 अनसुनी बातें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे भारत के महान क्रांतिकारी श्री गंगाधर तिलक जी के बारे में। लेकिन ये क्या, आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? तो जल्दी से कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए रोज कुछ नया लाने वाली हूँ। लोकमान्य तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी में से एक थे। दूसरा, बाल गंगाधर तिलक का वास्तविक नाम केशव गंगाधर तिलक था। तीसरा, इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र राज्य के रतनगिरी जिले में हुआ। इनकी माता का नाम पार्वती बाई, पिता का नाम गंगाधर पंत था, जो एक शिक्षक थे। पांचवा, 15 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह ताराबाई से हो गया। छठा, बाल गंगाधर तिलक ने 1876 में बीए उत्तीर्ण की, तत्पश्चात इन्होंने 1879 में कानून की पढ़ाई की। सातवां, इन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए बहुत संघर्ष किया। आठवां, सन 1905 में इन्होंने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जोर दिया। नौवां, बाल गंगाधर तिलक 1890 में कांग्रेस से जुड़े, जिसमें ये गरम दल के प्रमुख नेता थे। दसवां, 1 अगस्त 1920 को 64 वर्ष की आयु में इस वीर क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई। तो बच्चों, हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक बाय बाय।